भरूच शहेरना विविध मंदिरोमां हनुमान जयंतीनी उजवणी करवामां आवी हती। जेना भागरूपे भरूचना कसक विस्तारमां आवेल अति प्राचीन समयथी पावन सलीला मां नर्मदा नदी किनारा आवेल रोकड़िया हनुमान मंदिर खाते हनुमान जन्मोत्सवना पावन पर्व निमित्ते महाआरती दर्शन पूजन अर्चन अने अन्नकूट महाप्रसादी सहितना विविध धार्मिक कार्यक्रमोनुं आयोजन करायुं हतुं। कसक स्थित रोकड़िया हनुमानना मंदिर खाते दर शनिवारे मोटी संख्यामां श्रद्धाळुओ आवे छे। दर वर्षे रोकड़े हनुमानजीना मंदिरे हनुमान जन्मोत्सवना रोज विविध धार्मिक कार्यक्रमोनुं आयोजन करवामां आवे छे। त्यारे हनुमान जयंती निमित्ते परम पूज्य श्री 1008 महामंडलेश्वर वर्तमान पीठाधीश्वर सनकादिकाचार्य ओमकारदासजी महाराजनी प्रेरणाथी मंदिरना महंत रामदास महाराजना सानिध्यमां 56 भोगनो अन्नकूट अने महाप्रसादीनुं आयोजन करायुं हतुं। સાથે સાથે કસક વિસ્તારમાં આવેલ શ્રી જ્ઞાનેશ્વર હનુમાનજીના મંદિરે પણ વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે રાખવામાં આવ્યું હતું, જેનો હનુમાન ભક્તોએ મોટી સંખ્યામાં લાભ લીધો હતો। आज मेरा नाम श्री महंत ओंकारदास जी है। मैं कई वर्षों से यहां पर लगभग 20 वर्ष तो लगातार रहते करीब हो गया 36 वर्ष हो गए। अभी वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश में अरुण में रहता हूँ। ये रोकड़िया हनुमान तो प्राचीन है, पर ये जो देवस्थान बनाया गया है ये मेरे द्वारा अथवा मेरे पीछे जो रघुनाथ दास जी थे उनके द्वारा उसका मार्बल का सृजन किया है। पीछे वो शिवालय बनाया गया, वो भी मेरा स्वर्गवास हो गया, उसे श्री रघुनाथ दास जी उनके द्वारा उसका सृजन किया गया। आज हनुमान जयंती का विशेष पर्व हनुमान जन्मदिन है चैत्र पूर्णमासी, तो उसके 56 भोग का आयोजन रामदास जी पुजारी हैं अथवा महंत जो भी मान लो और उनके द्वारा आयोजन किया गया है। तो उनके भगवान का दर्शन करें, 56 भोग का दर्शन करें, प्रसाद चालू है, भंडारा पवे और महंत से उनसे का आशीर्वाद प्राप्त करें।